शाम का वक्त था, हमें कुछ चटरपटर खाने का मन था, तो हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकोड़े। और ये आलू के पकोड़े काफी खास होने वाले हैं, बिकॉज ये बनने वाले झारखंडी स्टाइल में, जहाँ पे हमें लेना है बेसन, आलू। आलू को हमें भुजिया की तरह छोटे छोटे चॉप करने हैं। आप इसको लंबा लंबा भी चॉप कर सकते हैं, हमने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। यहाँ पे हमने चॉप्स किए हुए हैं अपने प्याज को भी, बढ़ते हैं आगे प्रोसेस में। हमें लग रहा था कि बेसन थोड़ी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम पकौड़ियाँ थोड़े ज़्यादा खाते हैं, थोड़े से बेसन और ऐड ऑन कर लेते हैं। बाद जो बेसन के जो प्लास्टिक होती है कवर ना, उसको अच्छे से पैक कर दिया करें। ऐसे में क्या होता है कि कभी भी चींटियाँ उसमें चली जाती है। बस इसका ध्यान रखें, देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, ताकि ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। हम तीखा थोड़ा कम खाते हैं, तो हमने कम चिल्ली यहाँ पे यूज़ किया। कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसे 1100 के फ्लेम पे जलाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स करेंगे मैदे में। हम बेसन में थोड़ा सा मैदा भी, हम आटे में, हम मैदे में, सॉरी, हम बेसन में थोड़ा सा आटा मिक्स कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो थोड़ा सा लचीला बने। दैट्स ग्रेट। ये देखिए हमारा तेल का डब्बा इतना बड़ा है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। और इधर हमारा कढ़ाई जो है वो गर्म हो रहा है। आलू के पिटारा खोलेंगे और हम इससे निकालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने थोड़ी सी डाली है इसमें हल्दी, मिक्स मसाला है, जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इसमें अभी हमने डाला है गुलकी जीरा पाउडर। पकौड़ी के केस में हमने ज़्यादातर देखा है कि हम हल्दी और लाल मिर्च का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी हम डालने जा रहे हैं तेल। पानी नहीं है, मेक श्योर कि आपका पानी जो है वो निकल जाए, नहीं तो जैसे ही तेल डालेंगे छनछना जाएगा। आपकी जितनी पकौड़ी उसके हिसाब से हमने इतना तेल डाला हुआ है। तो दोस्त, आप यहाँ पे इसे मिलाने के लिए हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल चम्मच है जिससे हम इसको मिलाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, जिससे आलू चोखा बनाया जाता है और काफी सारी चीजें मैश की जाती है। ये वही सामान है, नाम आपको पता होगा तो कॉमेंट में बताए। पानी को हमने डाल दिया है इसमें टिक्की, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा टाइट घोल बनाएंगे हम। अब हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी आलू के जो भुजिया है, कटे कटे फाइन चॉप्स पोटैटोस यू कैन से। और हमारा इधर तेल भी गर्म होने वाला है। अब इसमें हम सारी सामग्री डाल करके सबको मिक्स करेंगे, जैसे हमने प्याज भी इसमें डाल दिया अपना। अभी हम बिना मिर्च का बना के देखेंगे, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं जो मिर्च नहीं खाते हैं, तो हमने अपना मिर्च यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। तो ये हम अपने पेस्ट में थोड़ा सा जवाइन मंगरेला भी डालते हैं। इससे क्या होता है ना, इसकी जो खुशबू आती है खाने के टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये टेस्टिंग के लिए हमने डाला हुआ है, इसे चेक होता है कि ये प्रॉपरली पक रहा है या नहीं, तेल गर्म हुआ है नहीं, वो चेक करने के लिए। तलने के लिए तैयार है बिल्कुल। हम अभी थोड़ा सा कम ही बनाएंगे, ताकि हम नमक वगैरह टेस्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट में ज़्यादा क्वांटिटी में तलेंगे। हम सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि रिफाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता रिफाइंड तेल। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एज अ हेल्थ एंथुजियास्ट, रिफाइंड तेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बच्चे के लिए हमने अलग थोड़ा सा निकाल दिया है। अब इसमें हम चिल्ली डालेंगे। लाल मिर्च का उपयोग ना करें, उसके जगह पे ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। वाह, अब थोड़ी से सुनहरे कलर में, पीला तो ऑलरेडी है लेकिन थोड़ा सा और पीला कलर इस पे चढ़ रहा है, और ये बिल्कुल ब्राउन कलर में, थोड़े रेडिश कलर में आ जाएगा। हम इसमें किसी भी तरीके का फूड कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे, मार्केट के पकौड़ियों में वहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल होता है। पकौड़े बनाने के लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप पकौड़े को तलेंगे ना, तो जो सरसों का तेल होता है उसको अच्छे से लाइक गर्म होने दें। अगर वो कच्चा रहेगा ना और उसमें आप कुछ भी पकाएंगे तो आपके आंखों में लगेगा, और जैसे अभी मेरे आंखों में लग रहा है यहाँ पे किचन के पास में, तो रहना थोड़ा स्टैंड होना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी प्रो टिप थी, अभी बढ़ते हैं आगे। ये हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। ये हम थोड़ा झारखंडी स्टाइल में पकौड़े बना रहे हैं, जिसके वजह से हमने इसमें ज़्यादा आलू और प्याज डाला है। बाहर के पकौड़े आप खाएंगे तो उसमें मैक्सिमम प्याज का कल्चर होता है, आलू नहीं डाला जाता है। एक गर्मा गर्म टेस्ट करने जा रहा हूँ, ताकि लाइक अगर टेस्ट अच्छा होगा, लाइक नमक अच्छी होगी, सब कुछ प्रॉपर होगा, तो अभी और भी बनाया जाएगा, वरना सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे ना। हो सही है, टेस्ट करना मतलब खतरों से खेलना है ना दोस्तों। क्या आपको पता है कि लाइक घर में आपके कुछ भी बनता होगा और मम्मी जो बहन है आपकी, वो टेस्ट करवाने के लिए लेके आती होगी, तो वो काफ़ी गर्म रहता है, जैसे कि ये है। वाओ, ओके ब्राउन। टेस्ट में पास हो चुका है, हमारी जो झारखंडी पकौड़ी वो काफ़ी लजीज बनी है। अभी हम और सेकेंगे और सब मिलके साथ में खाएंगे।
टेंट है, हमारी पकौड़ी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। अभी हम खाने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा ठंडा हो चुका है, गर्म था उस वक्त, अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया था, अभी अच्छे से टेस्ट करेगा। बढ़िया। जनरली झारखंड में इसे हरी चटनी के साथ, इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया जाता है, और बाकी शहरों में तो मैंने देखा है कि बस सॉस के साथ दे दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको मीठे के साथ टेस्ट करना है या फिर हरी चटनी के साथ टेस्ट करना है। एक प्रो टिप देता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा काला नमक स्प्रेड करते हैं, जिससे टेस्ट थोड़ा सा और खिल के आता है। बस हमारे पास धनिया नहीं था, तो अभी हमने ग्रीन चटनी नहीं बनाई है, इसके साथ हम टेस्ट करेंगे। ये जनरली स्नैक्स के साथ खाया जाता है, इमली की चटनी और ये ग्रीन चिल्ली सॉस। अभी हम थोड़ा सा प्याजी बनाने वाले हैं। प्याजी कहने का मतलब बहुत ही सिमिलर चीज है पकौड़ी के अकॉर्डिंग। प्याजी और पकौड़ी में बहुत ही छोटी सी सिमिलैरिटी है। इसमें हम सिर्फ बेसन का जो घोल होता है उसमें प्याज मिलाते हैं, और प्याज मिला करके उसे थोड़ा सा चपटा कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा गोल और चपटा साइज में बनता है। हमारी प्लेटिंग है जिसमें हमारे पास प्याजी है, ग्रीन चिल्ली सॉस है, और ये टैमरिंड की चटनी है, एंड साथ में पिकल है। तो ये है वो बच्ची जो बिना मिर्च के पकौड़ी खाती है। तो कैसा लगा परी पकौड़ी तुम्हें? बहुत ही स्वादिष्ट। मिलते हैं आपसे किसी अगले रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खाते रहे और स्वस्थ रहे, हट्टे कट्टे रहे, जीवन में और क्या ही करना है, खाना पीना और जीना है। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।